किसी भी जिले के डीएम यानी जिला अधिकारी के हाथ में उस जिले की कमान होती है। डीएम ही जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। लेकिन क्या आपने किसी डीएम को अपने जिले के हक के लिए लड़ते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के दिव्या मित्तल की, जो दूसरे जिले में पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर ऐसे आग बबूला हुई कि किसानों के साथ बैठक के दौरान अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। आपको बता दे, ये मामला मिर्जापुर जिले से प्रयागराज जिले में पानी छोड़े जाने से जुड़ा है। किसान बैठक में डीएम मित्तल का कड़क अंदाज दिखा। किसानों के सामने ही डीएम ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। बाढ़ सागर नहर से वाया मेजाबांस से बिना रोस्टर के प्रयागराज जिले में पानी भेजा गया। किसानों के आरोप के बाद डीएम ने सबके सामने अधिकारियों को फटकार लगाई। इस मामले की जांच के लिए एक टीम भी गठित की गई है। लेकिन आप जरा ये वीडियो देखिए कि किस तरह से इस डीएम ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं मिर्जापुर की डीएम किस तरीके से आग बबूला हो गई है और अपने जिले के हक के लिए लड़ते हुए नजर आ रही है। वहाँ पानी दे रहा हूँ मैं, मान रही हूँ पानी। अगर पानी नहीं, सुनो यार, अगर पानी है तो सब लेंगे, अगर पानी नहीं है तो सब भुगतेंगे। ये थोड़ी है कि केवल एक जनपद भुगतेगा, बाकी जनपद नहीं भुगतेगा। क्यों अगर से दे रहे हो तो पॉइंट पे आपसे बात कर रही हूँ। मेरे तीन टेक्निकल इंटू है। पहली बात, अगर रोस्टर में नहीं था तो ये पानी किसके आदेश से चला? रोस्टर के अनुसार आपको पानी खोलना होता है, रोस्टर के ऊपर डीएम का साइन होता है। ये रोस्टर में नहीं था तो पानी क्यों खुला? पहले तो इसी बात का जवाब दे दो। आप मिर्जापुर में बैठे, मिर्जापुर के डीएम के साइन के बिना अगर यहाँ से पानी छोड़ा जाने तो कैसे छोड़ा गया? मुझे मतलब नहीं है किसी और जनपद से या किसी और प्रदेश से। अभी इस टेक्निकल बिंदु पे, जब दूसरा बिंदु, अगर पानी कम हो और ये बात है कि 167 का मेड लेवल मेंटेन होना है, तो फिर पानी क्यों खोला गया? अगर उनके भी पौधे सूखेंगे तो हमारे भी तो सूख रहे हैं। ये कौन निर्णय करेगा कि प्रयागराज ज्यादा जरूरी है या मध्य प्रदेश ज्यादा जरूरी है या मिर्जापुर ज्यादा जरूरी है? आप निर्णय करेंगे? क्यों नहीं हाई लेवल पे मीटिंग बुला करके डिसाइड किया गया कि हाँ भाई देखिए पानी के लिए क्या करना है? कौन निर्णय करेगा इसका? आपको किसने अधिकृत कर दिया कि मुझे वहां पानी देने ध्यान देना? तो फिर ये तो आपको पता ही कि 100 अभी भी अगर आप पानी छोड़ दो तो वहां तो फिर भी चला जाएगा प्रयागराज को, मेरे पास तो नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन है? मिर्जापुर। तो 167 से नीचे तो 1 इंच भी नहीं जाना चाहिए जब तक मेरी डिमांड ना हो। मिर्जापुर की डिमांड, प्रयागराज को तो अभी भी मिल जाएगा। प्रयागराज को क्या समस्या? बिलेवा को तो भी मिल जाएगा, उनको क्या समस्या? समस्या तो मेरी है ना, तो मुझे क्यों पूछा गया? ये सारे बिंदु मिलते हैं आप जानते हैं।